Next question. What is the scalar projection of vector A? That is I cap minus 2j cap plus k cap on B vector 4i minus 4j plus 7k cap. इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर मुझे फाइंड करना होगा. अच्छा, क्या करना है? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. जो प्रोजेक्शन है इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. जब हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे, 1 इंटू 4 4 होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8, 1 इंटू 7 प्लस 7 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 49, दैट इज 19. 32 प्लस 49 दैट इज 81 का अंडर रूट 9. तो 19 अपन 9 होगा आंसर. तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, सपोज मैंने मान लिया कि लेट ए बी दो वेक्टर है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर नहीं है. सम ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. जब इस केस में आता है तो हम क्या बोलते थे कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर वेक्टर बी होता है, ये कंडीशन है. तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी. स्टेटमेंट वन दिया है, ए प्लस बी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डिफरेंस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. स्टेटमेंट टू दिया है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्टेटमेंट थ्री दिया है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर. देन व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट है? अच्छा, ये तो बाय डेफिनेशन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर आएगा. स्टेटमेंट वन सही है. अगर हम देखें तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए, दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे. तो बी डॉट माइनस बी का वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर. तो ऑप्शन ए मेरा, सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट वन मेरा सही है. अगर मैं इसको खोल के भी लिखूं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर भी अगर खोल के लिखूंगा तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर. तो ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट ये इसी फॉर, ये मेरा इतना होता है, ये चीज़ मेरा इतना होगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट टू मेरा गलत है. स्टेटमेंट थ्री जब चलते हैं तो स्टेटमेंट थ्री में ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा. और ए क्रॉस बी के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड लगा गया है तो मॉड का स्क्वायर तो ये बोल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. तो दोनों में मेरे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो इतना वैल्यू आ जाएगा. तो स्टेटमेंट तीन सही स्टेटमेंट है. तो एक और तीन सही है, तो ऑप्शन सी मेरा होगा राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया है. स्टेटमेंट वन दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स ए बी. स्टेटमेंट टू दिया है इफ ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, बी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन ए वेक्टर इज लैम्ब्डा टाइम्स बी वेक्टर. दोनों में से कौन सही कौन गलत बताना है. अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि ट्राइंगल का अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, इसका एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये गलत है. स्टेटमेंट टू क्या है, अगर ए क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर होता है तो मैं बोलूँगा ए वेक्टर जो है इज पैरेलल बी वेक्टर होगा, इसका मतलब ए वेक्टर इज लैम्ब्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा. तो स्टेटमेंट टू मेरा सही है, पहला गलत सेकेंड सही है, तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वन, दोनों यूनिट वेक्टर दिया है, थीटा होता है एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर. देन व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू पूछ रहा है. अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बनेगा, इसको लिखूंगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी. तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. जब ए बी का मैग्नीट्यूड वन है तो इसका वैल्यू होगा वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा. इसको मैं लिख सकता हूँ टू माइनस टू कॉस थीटा, दैट इज टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा, दैट इज टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. इसको मैं लिख सकता हूँ फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू आएगा बाई फोर. तो इसमें मुझे क्वेश्चन ऑप्शन होगा मेरा बी ऑप्शन मेरा होगा इसमें राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. इसमें से ऑप्शन दिया है फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी, ओनली व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली व्हेन बी नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज नॉन जीरो. तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन जब बनेगा कि जब ए बी दोनों जीरो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ए बी दोनों जीरो हो गया तो सी इज इक्वल टू जीरो. सी कौन सा है कॉन्स्टेंट जो जीरो होगा, सपोज मान लो सी का वैल्यू टू होगा तो टू इज इक्वल जीरो थोड़ी होगा. तो ए बी का वैल्यू इनमें से कोई एक को जीरो होना नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो. तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज ए एंड एक्स साइन बीटा माइनस वाई कॉस बीटा दैट इज ए. दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, एंगल थीटा ये फाइंड करना है, ठीक है ना. तो एक मेथड जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस जो फॉर्मूला हम लगाते हैं टैन थीटा इज प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन अपन वन प्लस एम वन एम टू, ये लिखते थे ना मॉड में लिखते थे, वो भी हम लगा सकते हैं. मैं दो मेथड में करवाऊंगा. तो पहला मेथड में मेरा एम वन स्लोप कितना आएगा, माइनस कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा, और स्लोप टू मेरा क्या होगा,
माइनस साइन बीटा अपन माइनस कॉस बीटा, यानी साइन बीटा अपन कॉस बीटा आ जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, टैन थीटा होगा मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा होल अपन तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा। इसको लिख सकता हूं साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होल अपन ये मेरा बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने न्यूमर डिनोमिनेटर में साइन अल्फा कॉस बीटा को कैंसिल कर दिया तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपन साइन अल्फा माइनस बीटा इसका मॉड है। इसका मतलब टैन थीटा का जो वैल्यू है प्लस माइनस में हो सकता है, टैन थीटा मेरा तो इसका मतलब प्लस माइनस कॉट अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। अगर टैन थीटा को मैं माइनस कॉट अल्फा माइनस बीटा लिखूँ इसका मतलब टैन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा तो थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा पाई बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा दैट इज पाई प्लस टू अल्फा माइनस टू बीटा बाई टू। तो ऑप्शन डी मेरा होगा राइट ऑप्शन। अच्छा दूसरा मेथड जो है दूसरा मेथड मैंने ओरली करना चाहता हूँ यहाँ पे मेथड टू। मेथड टू नीचे कर रहा हूँ। मेथड टू क्या है, जब हम साइन जब लाइन लेते हैं ये लाइन मेरा दिया गया है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन का दिया है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए है और ये एंगल अल्फा है। अगर मैं इसको इसको पाई वाई टू माइनस बीटा घुमा दूं तो ये लाइन मेरा क्या बन जाएगा, लाइन घूम जाएगा। तो जब पाई वाई टू माइनस बीटा इसमें मैं रिप्लेस कर दूंगा रोटेट कर दूंगा तो ये लाइन इसमें ये लाइन बन जाता है। इसका मतलब पाई वाई टू माइनस बीटा जो है पाई वाई टू माइनस बीटा जो है अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो ये पहला वाला लाइन दूसरा लाइन बन जाता है। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, जो एंगल होगा दोनों के बीच में वो एंगल मेरा क्या बनेगा दैट इज पाई बाई टू माइनस बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। तो इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है पाई प्लस टू अल्फा माइनस टू बीटा बाई टू बन जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी का कोऑर्डिनेट दिया है एम कॉस टू अल्फा कमा एम साइन टू अल्फा क्यू का दिया है एम कॉस टू बीटा एम साइन टू बीटा, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पी क्यू जो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ अगर मैं इसको एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू मानता हूँ तो एक्स वन माइनस एक्स टू दैट इज एम टाइम्स कॉस टू अल्फा माइनस कॉस टू बीटा इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर तो एम स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस साइन टू बीटा इसका होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो एम आ गया
और अंडर रूट ऑफ इसको कॉस टू अल्फा माइनस कॉस टू बीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस सी माइनस कॉस डी इसका फॉर्मूला तो कॉस सी माइनस कॉस डी तो फॉर्मूला होगा माइनस टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी अपन टू एंड साइन सी माइनस साइन डी इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है ना, या उसको तुम भी ओपन करके भी खोल सकते हो, इसमें दो तीन मेथड में भी हो सकता है क्वेश्चन। तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला अगर मैं लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो फोर भी दोनों साइड से क्या होगा, फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आना आ जाएगा। तो एम टू टाइम्स और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसका मॉड बन जाएगा, इसका वैल्यू है। तो ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, हम लोग जानते हैं अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, रेडियस आर हो, तो इसका पोलार फॉर्म क्या होता है, सेंटर ओरिजिन हो रेडियस आर हो, पोलार फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, एम कॉस टू अल्फा एम साइन टू अल्फा, इसका मतलब एक पॉइंट जो है इसका रेडियस मुझे मालूम हो गया एम, तो ये पॉइंट जो पी है ये एम कॉस टू अल्फा एम साइन टू अल्फा दिया है और क्यू जो दूसरा पॉइंट है ये दिया है एम साइन सॉरी एम कॉस टू बीटा एम साइन टू बीटा। मुझे पी क्यू कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, तो अगर ये एंगल पूरा थीटा होगा तो ये थीटा बाई टू होगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, पी क्यू कॉर्ड का जो लेंथ होता है दैट इज टू साइन टू एम साइन थीटा बाई टू होगा। अच्छा, थीटा बाई टू यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये टू अल्फा माइनस टू बीटा इसका आधा हो जाएगा, तो टू एम साइन टू अल्फा माइनस टू बीटा बाई टू हो जाएगा। तो दोनों में अगर टू टू कैंसिल करूँगा तो टू एम साइन अल्फा माइनस बीटा बनेगा और इसका लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। तो ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट माइनस वन कमा माइनस वन। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों बराबर है, एक कोऑर्डिनेट माइनस वन माइनस वन, सपोज ट्राइंगल का नाम ए बी सी लिख देता हूँ, और दूसरा माइनस रूट थ्री कमा रूट थ्री, इसका तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है ना, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लोग करते हैं, ए बी ए सी और बी सी बराबर, वो लेंथी होगा। तो इसमें थर्ड वर्टेक्स का जो शॉर्टकट्स है, थर्ड वर्टेक्स अगर मान लो एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मुझे एक्स वाई इस वर्टेक्स फाइंड करना है, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, तो मैं एक्स का वैल्यू लिख सकता हूँ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस माइनस रूट थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू होल वाई टू, एंड वाई होगा वाई वन प्लस वाई टू माइनस प्लस रूट थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू
बाई टू, इसमें मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ वैल्यू। तो मेरे पास वैल्यू क्या होगा, तुम इसको एग्जीक्यूट कर लोगे, एग्जीक्यूट करने में इसका ऑप्शन सी थर्ड वर्टेक्स एस का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन आएगा। ये एक मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सेटिस्फाई करेगा, एक्स का वैल्यू माइनस लोगे, यहाँ पे जो यूज करोगे एक्स का वैल्यू, क्योंकि दो ऑप्शन होता है, इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से एक ऑप्शन इनका सेटिस्फाई करता है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस रूट थ्री वाई वन माइनस वाई टू ठीक है ना, अपन टू, और y का वैल्यू y1 वन प्लस वाई टू प्लस रूट थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू वाई टू, ये लेके तुम चेक कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, अगर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं ना, तो एक प्लॉट करते हैं, माइनस वन जो पॉइंट है वो मेरा y इज इक्वल्स टू x लाइन में आएगा। इस लाइन में माइनस वन पॉइंट आएगा। और दूसरे बात क्या है, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री वो वाई इज माइनस एक्स लाइन में दूसरा पॉइंट आएगा, माइनस रूट थ्री रूट थ्री। अच्छा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो नेचुरली क्या होगा, इसका थर्ड वर्टेक्स जो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन में आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन में क्या होगा, x और y का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेंगे तो x और y बराबर होगा, तो ऑप्शन सी मेरा होगा राइट ऑप्शन। तो ये दूसरा मेथड मैंने कॉमन सेंस लगा के सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज वन विथ वन ऑफ इट्स फोकाई इज पाई वाई टू। अच्छा, व्हाट इज इसेंसिटी ऑफ एलिप्स। तो एक एलिप्स है अगर इक्वेशन ए बी अननोन है तो एक्स एक्सिस के ऊपर एलिप्स डिस्क्राइब हुआ माना जाएगा। तो बी पॉइंट बी इसका होगा, ये वाला वैल्यू होगा ए, ये मेरा फोकस है, मुझे पता है कि एंड पॉइंट से इसको ज्वाइन करने में ये भी ए होता है, और मैंने इसको मान लिया सी फोकस सेंटर से इसका जो दूरी है, ठीक है ना। अच्छा, इसेंसिटी मेरा ई क्या होता है, दैट इज सी बाई ए होता है। और मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है कि ये जो माइनर एक्सिस है फोकस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया था, इसका मतलब 45 डिग्री एंगल है। जब ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये 90 है, इसका मतलब ये 45 होगा, इसका मतलब बी और सी बराबर है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू सी मालूम हो गया। और मुझे कंडीशन क्या पता था, ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या होगा, यहाँ पे टू सी स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा वन बाई टू। इसका मतलब सी बाई ए जो है दैट इज वन अपन रूट टू, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी जो है ई का वैल्यू मेरा वन अपन रूट टू आएगा। तो ऑप्शन बी मेरा होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन ए लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स पी प्लस वन पी माइनस थ्री रूट टू पी। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो दिया है पी प्लस वन, वाई का वैल्यू दिया है पी माइनस थ्री, और जेड का वैल्यू दिया है रूट टू पी। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, पहले डीआरएस तो मिल जाए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वन दैट इज पी, वाई प्लस थ्री इज पी, एंड जेड अपन रूट टू इज पी। और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन अपन वन, वाई प्लस थ्री अपन वन, जेड अपन रूट टू इज इक्वल टू पी। पी मेरा पैरामीटर है। तो मेरा पास डी आर एस कितना मिल गया, नीचे वाला डी आर एस होता है वन वन रूट टू, तो नेचुरली डी सी एस कितना होगा, तो वन अपन वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर का रूट, मतलब वन इसका जो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो वन प्लस टू का अंडर रूट दैट इज
4 का रूट तो 2 आएगा, तो मैं पूरे में से 2 डिवाइड करूंगा, तो 1 बाई 2 रूट 2 अपन 2 दैट इज 1 अपन रूट 2, तो ये मेरा बन जाएगा डी सी एस। तो लाइन का डी सी एस होगा, तो ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन दिया है x माइनस 1 अपन 1, y माइनस 3 अपन 2, जेड प्लस 2 अपन 7, ये लाइन का इक्वेशन दिया है। तो बिल्कुल पहला वाला जो क्वेश्चन अभी किया था उसका उस फॉर्मेट में, तो जब लाइन का इक्वेशन दिया गया, मैंने मान लिया सपोज दिस लाइन इज इक्वल्स टू लैम्बडा, तो मैं लिख सकता हूँ एस का वैल्यू लैम्बडा प्लस 1, वाई का वैल्यू 2 लैम्बडा प्लस 3, जेड का वैल्यू 7 लैम्बडा माइनस 2, ठीक है ना। तो लैम्बडा का एक वैल्यू फिक्स, लैम्बडा का वैल्यू अगर हम ऐसे लेते हैं तो ऑप्शन वाइज हम गोइंग थ्रू दी ऑप्शंस चेक करेंगे तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन। क्योंकि अगर मैं लैम्बडा का वैल्यू 1 पुट करता हूँ ये 2 बनेगा, बी मेरा क्या दिया है 255, और लैम्बडा की जगह मैं 1 पुट करता हूँ ये 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 5 बन गया, ये मेरा 5 बन गया है, तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन x माइनस 4 अपन 1 दैट इज y माइनस 2 अपन 1, जेड माइनस के अपन 2, इस लाइन को मान लिया मैंने लैम्बडा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना बनेगा लैम्बडा प्लस 4, y का वैल्यू मिलेगा लैम्बडा प्लस 2, z का वैल्यू मिलेगा 2 लैम्बडा प्लस k। तो लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, जब क्वेश्चन क्या दिया कि ये लाइन एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, जब ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो x, y, z का वैल्यू उस प्लेन को प्लेन के अंदर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, इस केस में मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर हम इसको एस वाई जेड का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 2x है दैट इज 2 लैम्बडा प्लस 8 माइनस 4y, तो माइनस 4 लैम्बडा माइनस 8 प्लस जेड 2 लैम्बडा प्लस के दैट इज 7, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस कैंसिल हो गया, तो 8 भी कैंसिल हो गया, के का वैल्यू 7 आया, तो ऑप्शन डी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 111, कोई भी एक लाइन 111 होके पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, दिया कि इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब लाइन जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के फंडा है, तो एल एम एन मैंने मान लिया डायरेक्शन कोसाइन, और एल का वैल्यू मेरा क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये एन का वैल्यू कॉस गामा होता है, एल एम एन का वैल्यू है, ठीक है ना। तो मुझे मालूम क्या हो गया कि जेड एक्सिस के साथ तो एन का जो वैल्यू है दैट इज कॉस 60, दैट मीन्स कॉस 60 इज हाफ दिया है। फिर क्या दिया, ये लाइन जो है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के साथ जो कोसाइन ऑफ एंगल्स बनाता है उनका रेशियो √3:1, तो वाई और एक्स के साथ, इसका मतलब एम बाई एल जो है वो दैट इज √3 दिया है, इसका मतलब एम का वैल्यू √3L। अच्छा मुझे पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर, एम स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं 3L² और एन स्क्वायर की जगह 1/4 दैट इज 1, तो 4L² दैट इज 3/4, तो इसका मतलब एल स्क्वायर का वैल्यू होगा
3 अपॉन 16, एल का वैल्यू मेरा आ जाएगा रूट 3 बाई 4 प्लस माइनस में। तो इसका मतलब एम का वैल्यू कितना बन जाएगा, रूट 3 एल, तो प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 बाई 4, और एन का वैल्यू तो मेरा आया है हाफ। तो यहाँ से अगर मैं लाइन का डिफरेंट पोजीशन में डायरेक्शन कोसाइन समझूँ, एल वन एम वन एन वन, तो ये बनेगा अगर रूट 3 बाई 4, 3 बाई 4 हाफ, इसको लिखूँगा माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 हाफ, ये मेरा हो गया एल टू एम टू एन टू। और दोनों पोजीशन में बीच में लाइंस का, दोनों पोजीशन जो होता है उनके बीच में लाइंस का एंगल फाइंड करना है, जो उस पोजीशन में जो दो लाइन बनेंगे दोनों का बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि एंगल अगर थीटा होता है तो कॉस थीटा दैट इज एल वन एल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 अपन 16, एम वन प्लस एम वन एम टू का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9 अपन 16, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 अपन 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/16 माइनस 12/16, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4/16 माइनस 12/16, तो माइनस 8/16 दैट इज माइनस हाफ। तो थीटा प्लस माइनस में हो सकता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, इसका जो वैल्यू है। तो 60 डिग्री मेरा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है तो 60 डिग्री मेरा होगा आंसर, तो 120 तो नहीं होगा, 60 डिग्री मेरा होगा आंसर। पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स एक्स वाई माइनस 3, 2 0 माइनस 1 एंड 4 2 3 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। जब तीन पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे तो मुझे पता है कि अगर इस पॉइंट का नाम ए रखूं, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी रखूं, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का जो डी आर एस है वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी वेक्टर का डी आर एस क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 अपन 2 माइनस 4 दैट इज वाई माइनस 0 अपन 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 प्लस 1 अपन माइनस 1 माइनस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 अपन माइनस 2 दैट इज वाई अपन माइनस 2 दैट इज माइनस 2 अपन माइनस 4 दैट इज हाफ। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 इज माइनस 1, वाई इज माइनस 1, एक्स इज 1, वाई इज माइनस 1। तो एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिल गया है, तो ऑप्शन ए मेरा होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन।